हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु जो है वो आपसलम के कत्ल के इरादे से निकले थे, तो रास्ते में हजरत नुआइम मिले। उन्होंने कहा कि मोहम्मद सल्लम को कत्ल करने जा रहे हैं, आपने घर की खबर लें, आपके बहनोई और बहन जो है वो इस्लाम ला चुके हैं। तो घर पहुँचे हैं तो सईद जो उनके बहनोई थे और उनकी बहन फातिमा तो कुरान की तिलावत कर रहे थे, कहा जाता है सूरह ताहा की तिलावत कर रहे थे। तो उनको जाके बहुत मारा पीटा है, जब मार मार के थक गया तो कहा क्या तिलावत कर रहे थे, तो उन्होंने सूरह ताहा पढ़ के सुनाई। तो उससे जो है वो दिल बहुत ज़्यादा मोम हो गया, पिघल गया, सूरह ताहा का यानी कुरान का असर था। फिर आप सल्लम की मजलिस में हाजिर होकर जो है इस्लाम कबूल किया, और उनके इस्लाम कबूल करने के बाद जो है वो बैतुल्लाह में पब्लिकली जो है मुसलमानों ने नमाज पढ़ना शुरू कर दी। बल्कि इस्लाम कबूल करने के बाद अबू जहल के घर गया और उसका दरवाज़ा कटकटा के कहा कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, तो उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर बैतुल्लाह में जाके ऐलान किया कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया, फिर कुरैश उनके ऊपर टूट पड़े क्योंकि वो इस्लाम के ऐलान को पसंद नहीं करते थे ताकि दूसरे लोग रागिब ना हो जाएं। तो ज़ोर तक जो है वो लड़ाई होती रही, आपस में गुथम गुथा रहे।